सो दोस्तों, एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और सुबह के बज रहे हैं 9 और हम चले फिर इन हसीन वादियों में। सो आज भी हम हैं उसी जंगल में जहाँ पे आपको लास्ट लास्ट वीडियो में छोड़ा था, और आज हम यहाँ से आपको रूबरू करवाएंगे कि यहाँ से कौन कौन से गांव दिखते हैं, ताकि आपको पता हो जाए कि केदारनाथ घाटी में कौन कौन से गांव हैं। और जो ये एरिया मैंने बताया, कालीमठ घाटी जाने का एक रास्ता है, और यहाँ से कौन कौन से गांव दिखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी ट्रैकर में। सो आज भी वही जंगल में, और आपको दिखाते हैं कुछ और कुछ नया। आई होप कि आप हमारी वीडियो को पसंद कर रहे होंगे। तो देखते हैं अभी आज आपको क्या कहते। चलो ऊपर लगाए स्कोर, तो हमने लगा दिए हैं बैलों को ऊपर चराने के लिए, और हम चलेंगे आगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे पाइन ट्री, ये जो चीड़ के पेड़ आपको दिख रहे हैं, और यहाँ पे हम कितने लगा दिए हैं बैल और खच्चर उनके चरने वाले एरिया पे, और यहाँ पे चरेंगे हमारे बैल। और हम जाएंगे थोड़ा सा आगे और आपको दिखाएंगे यहाँ से कौन कौन से गांव दिखते हैं, और हम आपको दिखाते रहेंगे। चलिए, तो ये है पूरा चीड़ के पेड़ का जंगल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा यहाँ पे एक गड्ढा टाइप का बना हुआ है। इसमें क्या होता है कि इसको चाल खाल भी बोलते हैं वैसे यहाँ के लोग इसको, लेकिन इसका यूज़ किया जाता है जैसे कि बरसात में पानी भर जाता है और जो जंगली जानवर होते हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था हो जाती है। तो ये भी एक फॉरेस्ट विभाग ने एक अच्छी सी टेक्निक निकाली है वाटर को सेव करने के लिए। अब यहाँ से आप देख सकते हैं सामने का व्यू, बहुत ही अल्टीमेट व्यू है, और सामने है माँ डौला देवी का मंदिर। पहले यहाँ पे था, लेकिन बाद में जो आपदा आई थी उसके चक्कर में क्या हुआ कि पूरा रोड क्षतिग्रस्त हो गया था, और उसके बाद माँ डौला देवी को, उसके मंदिर को लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया गया, और वहाँ पे इसका भव्य मंदिर बनाया गया। यहाँ से एक और चीज़, ये सामने पड़ रहा है फाटा मार्केट, जहाँ से कि हम लोग अपना राशन हो गया और जो भी हमारा डेली दिनचर्या का जो सामान होता है यहाँ से हम लोग परचेज़ करते हैं। यहीं पे प्राथमिक स्वास्थ्य भी यहीं पे है, और पुलिस चौकी से लेकर एटीएम से लेकर स्टेट बैंक, पोस्ट ऑफिस एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे दिनचर्या में आती हैं, हम लोग यहीं से परचेज़ करते हैं। और यहीं पे हमारा इंटर कॉलेज भी था। और ये ऊपर जो दिख रहा है आपको, ये है जामू विलेज। पहले छोटा सा गाँव था, लेकिन अभी देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे हेलीपैड बन चुके हैं और काफ़ी डेवलप हो चुका है, और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं। अब इस तरफ आते हैं, थोड़ा बीच में पेड़ आ रहा है ना, इसलिए आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ प्रॉपर। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। ये यहाँ पे आते हैं इस तरफ, ये तो पड़ा आपका फाटा मार्केट। इस तरफ आप देख सकते हैं ये है धानी विलेज, और ये रोड जा रही है NH 107 जो कि केदारनाथ को कनेक्ट करती है, और एक ही रोड है यहाँ पर। तो जब भी आप केदारनाथ आओगे तो आपको इसी रोड से आना पड़ेगा, NH 107। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं खड़िया गांव है, सामने है मैखंडा गांव वो साइड में। तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है आज, देखिए। और इन चीड़ के पेड़ों के बीच अल्टीमेट व्यू आ रहा है। आई होप कि आप लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे, और अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो भाई लाइक ठोक दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और वो सब्सक्राइब वाला लाल बटन है उसको दबा दो भाई, फ्री में दबा दो, फ्री में। और ये है दोस्तों स्वल्टी, जिस पे कि यहाँ से हम लोग घास लेके जाएंगे, है ना। तो ये रिंगाल से बना होता है जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। तो दोस्तों इस पे लिखा है SKF डिस्टिल्ड वाटर बाय DM प्रोसेस। तो इसका जो डिस्टिल वाटर था, हमने क्या कर दिया, उसको डाल दिया बैटरी में, और अभी हमारे ये काम आ रही है किसके, पानी पीने के। लेकिन हमने एक गलती कर दी, जो इसका ये है ना, ये निकालना पड़ेगा, बिकॉज
कभी कभार क्या होता है कि हमको पता नहीं होता और हम लोग डिस्टिल वाटर भी पी सकते हैं भाई। तो दोस्तों जंगल में आए और प्यास न लगी तो ये तो कोई बात नहीं बनती। तो हमने एक बोतल पानी ला रखी थी वो हो गई ख़त्म और अभी हम बढ़ते हैं नेचुरल वाटर सोर्सेज की तरफ। और ये देखिए एक जगह हमें पानी मिल चुका है और ये देखिए पानी भर रहा है कौन, अंकित सिंह। बढ़ते भाई इसके बाद। और ये देखिए इस तरीके से टेक्निक होती है कुछ जुगाड़ लगा के पत्ती से और फिर इसको भरेंगे। और ये देखिए भाई तो अगर आपको ऐसा पानी दिख रहा है तो यहाँ पे हम इस पत्ते का यूज करेंगे ताकि जो पानी आ रहा है वो इसमें आए और हम यहाँ पे अपनी वाटर बॉटल को फिल कर पाए। तो खड़ा बना रहे बंद कर। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कलेक्ट हो गया है वाटर। तो ये चीज़ें आपको पहाड़ों में ही मिल सकती हैं भाई। और ये कोई भी इसको ये कोई फिल्टर वाला पानी नहीं है, ये बिल्कुल पेड़ की जड़ों से आ रहा है। और इस तरीके से कुछ जुगाड़ बना के हम इस बोतल को फिल कर रहे हैं। देखिए इतना तो भर गए हमने, अभी थोड़ा सा और भरना है भाई इसको। तो अभी इतना पानी हो चुका है, अब पीते हैं। ये है दोस्तों तिमला और इसका पेड़ ये है यहाँ पर। और ये गांव में भी बहुत होता है और ज़्यादातर लोग इसका क्या करते हैं, इसका बनाते हैं अचार, अचार सब्जी बनती है इसकी। लेकिन कई लोग क्या सोचते हैं कि थोड़ा पॉइजन भी होता है, नहीं तो इसलिए सब्ज़ी नहीं बनाते इसको। लेकिन होता अच्छा है भाई। तो मैं भी एक बार ट्राई करूँगा अचार बनाने की या सब्ज़ी बनाने की, तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। और ये देखिए अभी इसके अंदर अगर इसको ऐसा तोड़ दिया जाए तो ऐसे दूध, इसको देखो ऐसे दूध आता है इसमें, ऐसे मिल्क आता है इसमें, दिख रहा टपक जा हल्का सा देखिए। सो दोस्तों आई होप कि आपने इन सुंदर नज़ारों को इन्जॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। और अगर आप चैनल पे नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम मिलते हैं आपको ऐसे ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।